आज अपने वोटर सपोर्टर और कौम की हमरा बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुस्ताफी होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिलियत का ऐलान करता हूँ। ऐसे इलेक्टेबल्स उनके पास नहीं कि मोतबरीन ने शिरकत की है, बल्कि उनके लोग हमारे पास आए। फायक जमाली साहब हमारे पास आए, फतेह असनी साहब हमारे पास आ गए। हम हमाई की तरक्की के लिए भी अपनी कोशिशें करेंगे इंशाल्लाह। इतनी शमूलियती प्रोग्राम है कि नशे सर का फर्स्ट टाइम होता है, मंदिर सर का होता है कि हम टेम दे सके। जनाब जफर मंदोखेल साहब, सूबाई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अजी नूर मोहम्मद दुमड़ साहब, दोस्तैन खान डुमकी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई और ज़िलाई रहनुमा, अस्सलाम वालेकुम। साफ़ी हजरात, मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हजरात, मेरा ताल्लुक़ ज़िला हरनई से है। साल 2013 इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया और तकरीबन 4000 वोट हासिल किए, जबकि कामयाब उम्मीदवार तकरीबन 4500 वोट हासिल किए। गुज़िश्ता इंतखाबात में हाजी नूर मोहम्मद दुमड़ के साथ दिया अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। मैं हरनई के दिगर कबायली अमायदीन से रबते में हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द हरनई से बहुत से कबायली अमायदीन मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे। मैं आज अपने वोटर सपोर्टर और कौम की हमरा बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुस्ताफी होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिलियत का ऐलान करता हूँ। मैं आज से हाजी नूर मोहम्मद दुमड़ और दोस्तैन खान डुमकी को आने वाले इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिर में तमाम साफी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। और स्टेज पर बैठे हुए हमारे पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी जमाल शाह काकड़ साहब और दोस्तैन खान डुमकी साहब, पार्टी के और कायदीन, और मेरे सामने बैठे हुए पार्टी के वर्कर्स, और आज के हमारे चीफ गेस्ट जो कि जिसने शामिलियत की, चीफ बाबा बुलानी सरदार उमर के साहब खान तरीन साहब, और आप मौजूद साफी हजरात, आप सब की इजाज़त से सबसे पहले मैं अपने मेरी तरफ से मैं अपने मौजूद मेहमानों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में उसको वेलकम कहता हूँ। और यकीनन आपको ये प्रोग्राम कोई सादा सीधा प्रोग्राम लग रहा होगा, लेकिन इनके पीछे हमें मालूम है कि इस शख्स के पीछे कितने वोट है। जिस तरह आपको बताया गया कि 2013 में आरमई जब के इंडिपेंडेंट सीट था, तो मलक साहब ने आज़ाद हैसियत से 4000 वोट लिया, और उनके बड़े मुकाबले जो कामयाब उम्मीदवार था उसने कोई 4500 वोट लिया। यानी आप इस तरह यूँ अंदाज़ा कर सकते हैं कि आरमई के ज़िला के हवाले से या आरमई की इंडिपेंडेंट सीट के हवाले से ये शख्स तकरीबन वहाँ बाकी तमाम वोटों के बराबर इनकी पोजीशन है। जिस तरह उसने मुकाबला किया और बाकी तमाम पार्टियाँ एक साथ थी, उन्होंने कामयाबी हासिल की, उनके मुकाबले में मलक साहब ने 4000 वोट लिए, तो हमारे लिए यकीनन आरमई में ये एक सरप्राइज से कम नहीं, क्योंकि पिछले 2018 में भी इन्होंने हमें सपोर्ट किया और आरमई में काफ़ी वोट इनकी वजह से मिली, और इस दफा इंशाल्लाह फिर ये मलक साहब के आने की वजह से आप तकरीबन ये अंदाज़ा कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत होगी इंशाल्लाह, और आने वाले इलेक्शन में तकरीबन काफ़ी सपोर्ट। ये अपने कौम की सरबरा है, और बाकी ये इनके साथ काफ़ी इलाके के मुतबरीन और पार्टी मुख्तलिफ पार्टियों के वर्कर्स इनके साथ रबते में है, तो इंशाल्लाह जल्द ही इन्हीं की क्यादत में एक बड़ा ग्रुप कबायली अमायदीन की और भी पार्टी में शामिल हो जाएगी।
मुझे तो यकीनन इसका इनके उठू का अंदाजा है, जिनको नहीं है शायद उनको नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है, मैं तो दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, साथ साथ उनको पार्टी में वेलकम कहता हूँ, तमाम पार्टी के अंदर को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनके आगे जुड़ने से और तकरीबन पूरी अंदाजा हो गया, और इनके आने से तकरीबन हमारे वहाँ के जितने भी वर्कर्स हैं इनकी हौसले बुलंद हो जाएंगे और इंशाल्लाह हमारे वोट पे इनकी बड़ा आसान होगा। तो मैं एक बार फिर इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग बूथ में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और कौमी पार्टी मुस्लिम लीग में मियां नवाज शरीफ साहब की कयादत में ये शामिल हुए हैं, और फिर इसके बाद मैं हाजी नूर मोहम्मद दुमड़ साहब को और मीर दोस्तैन डोमकी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इलेक्शन में उनको एक बहुत मजबूत साथी मिला। इंशाल्लाह ये इलेक्शन का आज हम मुबारकबाद उनको देते हैं, इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे भी। और ये एक चीज़ हम गारंटी से कह सकते हैं कि आगे के लिए आपका खिदमत में ये खुद होंगे इंशाल्लाह। ये एक बहुत बड़ा वाकया है और बहुत बड़ा है कि 4,500 से 13 में जो कैंडिडेट जीतता है उससे 500 वोट पीछे है, 500 वोट अगर थोड़ा अच्छा मनसूबाबंदी कर लेते हैं वो जीत जाता है। तो बाज़ वक्त आज़ाद उम्मीदवारों की मनसूबाबंदी इतनी अच्छी नहीं होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की मनसूबाबंदी थोड़ी अच्छी होती है क्योंकि वो वोटर्स उनके ज़्यादा कॉस्ट होते हैं। लेकिन ये तो हम दावे से कह सकते हैं कि उस वक्त भी अगर वाकई एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता तो ये इलेक्शन जीत जाते। बहरहाल आज इस कारवान में या इस काफिले में जो शामिल हुआ है ये मुबारकबाद का मुस्तहिक है, इंशाल्लाह इनको वो इज्जत मिलेगी जो एक मिनिस्टर एक एमपीए को मिलती है। और इसी तरह मीर दोस्तैन साहब हमारे जो हैं कौमी असम्बली की उम्मीदवार हैं, हाजी नूर मोहम्मद जो है दुमड़ साहब जो है वो सूबाई असम्बली की उम्मीदवार हैं, उनको भी मैं ये तो खुद ऐलान नहीं कर सकते लेकिन मैं बहैसियत सदर ये कह सकता हूँ कि यही हमारे इंशाल्लाह उम्मीदवार हैं, और इनको एक इस सपोर्ट से जो है इनकी इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी जीत यकीनी हो गई। आखिर में आज जो साफ़ी हजरात आए हैं, जो मेहमान आए हुए हैं मेरे साथ आए हुए मोतबरीन और हमारे पार्टी के लोग, मैं सबको शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इस मौके पे आए, उन्होंने ये किया। और सरदार साहब से ये तवक्को रखता हूँ कि अब काम का वक्त है, काम को थोड़ा हम लोगों ने भी काम के लिए जाना है, 2-4 दिन इधर ही हैं, ये टिकटें वगैरह फाइनल हो जाए उसके बाद हमने भी काम पे जाना है इंशाल्लाह। कायद हमारे सूबाई सदर जाफर मंदोखेल साहब, काकड़ साहब, सेक्रेटरी जनरल उमर साहब और सारे हमारे मुस्लिम लीग के साथी जो बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम, और ख़ासकर मीडिया के भाई हमारे, मैं आज मुबारकबाद पेश करता हूँ मलिक इसरार तरीन साहब को जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। पहले भी सिपी हरनई एक होता था कौमी में, 2018 में इसको तोड़ दिया था, अभी फिर से ये हल्का खटे हो गए। इंशाल्लाह हम हरनई की तरक्की के लिए भी अपनी कोशिशें करेंगे, इंशाल्लाह जिसको भी हमारे मुस्लिम लीग नून ने यादत ने टिकट दी कौमी के लिए हम उसके साथ रहेंगे इंशाल्लाह, जिसको भी टिकट मिला। और एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मलिक इसरार तरीन का और खुशामदीद कहता हूँ इसको मुस्लिम लीग नून में, शुक्रिया। ये कामयाबी आज जारी है और आज हरनई का सबसे मुतबर शख्स मलिक इसरार तरीन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों ये मुस्लिम लीग नून इस वक्त गुज़िश्ता की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन चुकी है, और इंशाल्लाह हम करीब ये दावे हम रोज़ अव्वल से करते हैं। आज आप खुद देख रहे हो कि इतनी शमूलियती प्रोग्राम्स है कि न शेख साहब के पास टाइम होता है न मेरे साथ टाइम होता है कि हम टाइम दे सके, लोग तैयार बैठे हुए पार्टी में आने के लिए। वजह क्या है? वजह ये है कि ये
5 सालों में जो इस वक्त पाकिस्तान की 22 करोड़ या 24 करोड़ जो मैं बदन शुमारी करता हूँ या 25 करोड़ का आवाम जिस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हालात खराब है, तो लोगों ने मियां नवाज शरीफ के साथ ये तोहफा वास्ता कर रखे है कि पाकिस्तान को इस जल्द से मियां नवाज शरीफ ही निकालेगा और इंशाल्लाह निकाल कर देगा। जो 2018 में जो माहौल था, जो महंगाई कंट्रोल थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था और सी बैंक था, सब कुछ हो रहा था, फिर अचानक हो गया है। दोबारा इंशाल्लाह 8 करोड़ को इलेक्शन होंगे तो मरकज में भी, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलोचिस्तान में भी, हत्ता के सिंध में भी अब मनसूबाबंदी हो रही है। सिंध के आवाम भी तरक्की चाहता है और तरक्की मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बगैर मुमकिन नहीं है। तो एक बार फिर मैं मलिक साहब को वेलकम करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये आने वाले इलेक्शन में पार्टी जिसको टिकट देगा, अभी तक टिकट अनाउंस नहीं हुआ है, पार्टी जिसको टिकट देगा, जिसके पास शेयर का निशान होगा, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। वसलाम। कुछ तो होता है ऐसी चीज़, लेकिन हर चीज़ कोई दिल में कोई चीज़ होगा, हमको नहीं डिमांड रखा है, बहरहाल दिल में कोई चीज़ होगा जिधर उधर से ज़्यादा हुआ। और जरदारी साहब के साथ इतने एलेक्टेबल्स नहीं गए, एक सरफराज डोंकी साहब जो गए हैं, उनकी भी ये बाई इधर है, हमारे कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, और ऐसे एलेक्टेबल्स उनके पास नहीं गए, मोतबरीन ने शिरकत की है, बल्कि उनके लोग हमारे पास आए, फायक जमाली साहब हमारे पास आए, फतेह असनी साहब हमारे पास आ गए और सलीम कोसो साहब हमारे पास आए, ये कन्फर्म विनर हैं। तो अगर इतनी अच्छी होती, अभी सरफराज मुक्ति साहब का अपना फैसला है, गालबन दिन में जब आपने कहा हमसे तो नहीं मांगा है ना हमसे बात किया, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर पहले हमारे साथ मीटिंग्स हुए, वज़ीर आज़म से मुलाकात किया जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे उस वक्त, लेकिन बहरहाल वक्त है, हर एक का दिल है, हर एक का एक प्रोग्राम है, हमारे साथ ये इतने लोग शामिल हो रहे हैं, हम किसी दूसरे के ऊपर नियत क्यों बात कर लें। अगर जरदारी साहब भी 2-4 सीटें बलूचिस्तान से उठा ले, कौमी पार्टी है, हमको बिल्कुल उसके ऊपर एतराज़ भी नहीं है, बल्कि हमको खुशी है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो या मजबूरियाँ हो जाती हैं, प्रोविंशियल क़यादत पे भी डिपेंड करता है कि वो अपने साथियों को कैसे ले करके चलते हैं। हम लोग तो नवे से हैं, जिजर होते हैं तो सारे हमारे साथ होते हैं। अगर आपको याद है 90 भी नून ने हुकूमत बनाया, 97 में 93 में भी नून ने हुकूमत इधर बनाया, पूरे पाकिस्तान में पीपल पार्टी का आ गया, 97 में फिर नून ने हुकूमत बनाया, उस वक्त नहीं छोड़ा हम लोगों का, क्योंकि सूबाई की आदत भी मजबूत होती है, मरकजी की आदत की अपनी एक अहमियत बड़ी है, लेकिन लोगों का सूबे में भी सुबह शाम का जो काम पड़ता है, इंशाल्लाह नहीं जाएंगे ये।